गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 10:05, 5 minutes past 10 इन द मॉर्निंग। रेडी है अपनी ये चाय और साथ में ये 100% आटा ब्रेड, जो कि बोलते हैं 100% आटा ब्रेड। एक दिन ना इसका पूरा इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे इसमें क्या क्या है, राइट। सो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर थोड़े से काम है जो वो निपटा लेते हैं और फिर रेडी होके चलेंगे। पहले तो अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, उसके बाद देखते हैं नहीं, एक स्केड्यूल है ऑलरेडी डीएम कोर्ट में अपीयरेंस का, तो वो हर बार की तरह पता नहीं क्या होता है, वो आगे की आगे चले जाती है। आज देखते हैं, अगर मैसेज आता है ठीक है, नहीं तो चलेंगे 2:15-2:30 करीब। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है आई विल लेट यू नो। तो जी, टाइम हो गया है एग्जैक्टली 1:01 PM और सबसे पहले चल रहे हैं अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। और अभी तक कॉल तो किसी का नहीं आया मिलने वाले का, बट अपना एज डेली रूटीन बंधा हुआ है और जाना है तो जाना है, राइट। सो वहाँ पे श्रीवास्तव जी आई सपोज ऑलरेडी पहुँच गए होंगे, ग्रीन टी पीते हैं चल के और फिर अगला प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि दोपहर को हमने जाना है डीएम ऑफिस, डीएम वेस्ट ऑफिस। तो अभी तक वहाँ से कोई एसएमएस नहीं आया, पहले वहाँ से एसएमएस आ जाया करता है कि री प्लान हो गई है, अभी तक रीप्लानिंग नहीं हुई है। तो 3 बजे का टाइम होगा ही, देख लेते हैं अगर मैसेज आ जाएगा ठीक है, नहीं तो चलेंगे वहाँ। सबसे पहले अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर पहुँचते हैं और वहाँ के हालात देखते हैं। ये देखिए, हमारे आने से पहले हमारे भाई साहब आए हुए थे और आते ही हमें मिल जाती है यहाँ पे ग्रीन टी, राइट। सो टाइम अभी हो गया है 1:44, ऑलमोस्ट 1:45 आफ्टर द न्यूज। 2:30 हम यहाँ से निकलेंगे और फिर पहुंचेंगे वहां पे डीएम ऑफिस और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है आई विल लेट यू नो। जब निकलते हैं तब मैं आपको साथ ही लेके चल रहा हूँ ना, राइट। टाइम 2:40 और अवेक एंड अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर से निकल के हम चल दिए हैं डीएम ऑफिस की तरफ और बस और 5-7 में वहां पहुंच जाएंगे। वहाँ पे तो वीडियोग्राफी अलाउड भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, तो एक बार वहाँ का प्रोसेस ख़त्म होता है ना तो फिर मिलता हूँ वहाँ से निकल के अगले अपडेट के साथ। हो गया जी अपीयरेंस और अपना जॉर्ज यहीं हमारा वेट कर रहा था, तो चलते हैं बाहर फिर मिलते हैं। चल पड़े हैं जी घर की तरफ। टाइम अभी फिलहाल हो गया है 5:31, ऑलरेडी 5:30 और चाय के लिए लेट हो गए हैं। काम कुछ पड़ गया था रास्ते में, वहाँ रुक गए थे, तो अभी चलते हैं घर पे और मिलते हैं चाय पे, राइट। और ये फ्लैग देख लो जी आज कैसे शान से लहरा रहा है, हवा काफ़ी ऊपर चल रही है उस लेवल पे। नीचे हालांकि हमारे वाले जगह पे इतनी तेज़ हवा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी तो है। इसका मतलब हवाएं अब आगे बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। लो जी आ गए हैं घर पे, ये रही अपनी चाय, ये रहे कुकीज और ये रहा अपना मैजिक पोशन, मैजिक पाउडर, जो कि ऑलमोस्ट 1/4 रह गया है, बस ये खत्म होने वाला है और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे, राइट। सो अभी चाय पी लेते हैं और आज थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि आज ना थोड़ा सा मेंटली क्रंच है और थकान महसूस कर रहा हूँ मैं मेंटली। फिजिकली तो खैर नहीं है, पर मेंटली मैं आज थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं करूँगा थोड़ा सा रेस्ट चाय पीने के बाद। और हो सकता है कि मैं 1-1.5 घंटा सो भी जाऊँ, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 5:53, ओनली 7:06। 1-1.5 घंटा सोते हैं, उठेंगे फिर देखेंगे क्या करना है, गेड़ी पे चलेंगे क्या करेंगे देखते हैं। चलो जी, टाइम हो गया है 8:53, ओनली 7 लेफ्ट टू 9 एट द नाइट।
ज्यादा कुछ खास आराम भी नहीं कर पाए, फोन कॉल्स आ गए, लेटे जाके हमने सोचा सो जाएंगे, पर सो भी नहीं पाए। 15-20 मिनट आंख लगी होगी शायद, राइट? और अब हो चुके हैं लेट, सुपर लेट इनफैक्ट। और छोटी सी गेड़ी फिर चलेंगे खाना लेने, छोटी सी गेड़ी पे चलते हैं। लो जी निकल पड़े हैं हम अपनी गेड़ी पे और ट्रैफिक थोड़ा सा हल्के हल्के करके खत्म सा होता हुआ, लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने डवेलिंग्स पे, अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए होंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है थोड़ा सा, मतलब अभी ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया रात को 11-12 बजे की तरह, क्योंकि 9:08 ही हुए हैं अभी, 8:09 इन द नाइट, तो ट्रैफिक है, बट जो 7 बजे के करीब रहता है उतना नहीं है और वो ज़्यादा होता है, और जो रात को 11-12, 1 बज जाता है उस टाइम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो मोमेंट्स तो अभी भी हैं, हम भी जैसे अभी निकले हैं, आज थोड़ा गेड़ी पे निकलने में लेट हो गए, कुछ काम कर रहे थे, कुछ पेपर वर्क था, कल सुबह कोर्ट में जाना है भाई इसलिए पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, उसके लिए टाइम लग गया। तो बस निकले हैं गेड़ी पे, आगे देखते हैं क्या होता है, क्या रहता है। चलो चल रहे हैं जी घूमने गेड़ी पे। हवा की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज है, पर हवा उस उतनी ही तेजी से चल रही है, ये फ्लैग हमारे को बता रहा है, फर्स्ट क्लास लहराता हुआ, कि हवा उतनी ही तेज है जितनी कि शाम के टाइम पे थी। हालांकि हमारे लेवल पे अभी थोड़ी सी पहले के मुकाबले बढ़ी हुई है, पर वहाँ उतनी ही तेज हवा। और हम पहुँच गए हैं वहीं अंधेरी गली अंधेरी रोड, जहाँ थोड़ी थोड़ी चेहरे पे अगर हवा कह रहा हूँ लाइट पड़ जाती है, जैसे अब पड़ेगी तो चेहरा हमारा दिख जाता है, या सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट पड़ती है तो चेहरा दिख जाता है, अदरवाइज हम भी अंधेरे में गुम हो जाते हैं। पता नहीं कब सुधरेगी यहाँ की हालत, ये अंधेरी गली कब उजली गली में बदलेगी, नॉट श्योर। चलो जब तक है सो है, हमने तो 2-3 बार अथॉरिटीज को बता दिया है, अब फिर एक स्ट्रॉन्गली बताना पड़ेगा। यहाँ स्नैचिंग का खतरा हो सकता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स का खतरा हो सकता है, बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। चलो देखते हैं जी क्या करना आगे। चलो जी खत्म होता है अपना गेड़ी का टाइम, और भूख भी लग रही है, तो जल्दी से चलते हैं खाना लेने के लिए। अभी समझ नहीं आ रहा है हमने खाना लेना क्या है, क्योंकि मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। चलो देखते हैं, खाना लेते हैं फिर बताते हैं। देखो इसके बिना ना दिल नहीं लगा, और फिर ये भी उदास हो जाता है ना, फिर 1-2 दिन के बाद ये नाराज होके फिर कहता नहीं खाना बनाना, जाओ भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें कब जाना है घर? 20 तारीख 20, तो ये 20 आज तो है, अरे 1 महीना भी है, पहले डरा दिया था इसने, मैं डर गया था, मैंने कहा इसी बार जा रहा है, चलो फटाफट खाना बनाओ फिर चलते हैं। आज इसी के पास आ गए हैं और यादव साहब जिंदाबाद करके खाना लेते हैं, ठीक है भाई? ठीक है। तो जी खाना भी ले लिया है और चल रहे हैं ठिकाने पे, चल के खाना भी खाते हैं, वीडियो भी एडिट करनी है और आप सब लोगों के लिए रेंडरिंग करके अपलोड भी करनी है, स्केड्यूल भी करनी है, सुबह 8:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाए, जब भी मर्जी आप देख सकते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ तक देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक किसी कारण से, या फिर नए आए हैं आज इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना जरूर, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।